नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान निफ्टेम थंजावुर की ओर से मैं जामुन वाइन के प्रसंस्करण पर बने इस वीडियो प्रदर्शन सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूं। जामुन हाई कमर्शियल वैल्यू वाला एक महत्वपूर्ण देशी फल है। भारत के विभिन्न भागों में ये ब्लैक प्लम, इंडियन ब्लैक चेरी और राम जामुन के नाम से भी लोकप्रिय है। मायरटेसी परिवार से संबंधित जामुन ट्रॉपिकल ट्री की श्रेणी में आता है। ये मूल रूप से भारत और इंडोनेशिया में पाया जाता है। प्राचीन काल से ही इसकी छाल, पत्तियों और बीजों का उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार के लिए होता रहा है। इसे फ्रूट ऑफ गॉड भी कहा जाता है। इसमें मौजूद उच्च पोषक तत्वों और विभिन्न औषधीय गुणों के कारण जामुन उपभोक्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय है। जामुन के फल में उच्च मात्रा में आयरन होता है जो मधुमेह के अलावा हार्ट और लिवर संबंधी बीमारियों में भी लाभकारी होता है। इंसुलिन की खोज होने से पहले जामुन मधुमेह के इलाज में फायदेमंद था और चिकित्सा की विभिन्न वैकल्पिक प्रणाली में महत्वपूर्ण रूप से शामिल था। ये फल मैंगनीज, जिंक, कैल्शियम और सोडियम जैसे खनिज के साथ ही शुगर, टैनिन, एंथोसायनिन और अन्य फेनोलिक कंपाउंड्स का भी समृद्ध स्रोत है। जामुन के फल कम समय के लिए जून जुलाई के महीने में मिलते हैं। इस फल का प्रसंस्करण जैम, जेली, जूस, स्क्वॉश, पाउडर, डेट्स, रेजिन, विनेगर और वाइन के रूप में किया जाता है। इस वीडियो में हम जूस से वाइन बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। फ्रूट जूस की तुलना में वाइन की शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। वाइन फर्मेंटेड फ्रूट जूस है। भले ही वाइन को किसी भी तरह से बनाया जाए, लेकिन इसकी प्रक्रिया में फर्मेंटेशन जरूरी है, जिसमें चीनी को अल्कोहल में बदला जाता है। अल्कोहल की मात्रा के अपेक्षाकृत कम होने पर परिणाम स्वरूप वाइन तैयार होती है। आवश्यक मशीनरी। मुख्य रूप से जो उपकरण चाहिए वो हैं फ्रूट वॉशर, पल्पर, फ्रूट मिल, स्टीम जैकेटेड केटल, बॉयलर, रिफ्रैक्टोमीटर, पैश्चराइजर, बॉटल वॉशिंग मशीन, सीलिंग मशीन। इस प्रक्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है, जामुन जूस का एक्सट्रैक्शन और जूस का फर्मेंटेशन। जामुन जूस का एक्सट्रैक्शन। जामुन की धुलाई। जामुन के फल को बर्तन में डालकर इसमें मुट्ठी भर क्रिस्टल सॉल्ट और 200 ppm पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिलाया जाता है। फिर फलों को स्ट्रेनर में डालने के बाद फिल्टर के पानी से 2 से 3 बार अच्छी तरह साफ किया जाता है, जिससे नमक पूरी तरह हट जाए। क्रशिंग और सीड सेपरेशन। फलों को स्ट्रेनर से किसी साफ बर्तन में पलट लिया जाता है। फिर फलों को या तो हाथ से या जामुन डिसीडिंग एंड पल्पिंग मशीन की सहायता से क्रश किया जाता है और बीजों यानी सीड्स को अलग कर लिया जाता है। होमोजेनाइजेशन, प्रेसिंग और जूस एक्सट्रैक्शन। फिर पल्प को ब्लेंडर में होमोजेनाइज किया जाता है और महीन पल्प प्राप्त होता है, जिससे जूस निकाला जाता है। इसके लिए कई तरह की सेमी और फुली ऑटोमेटिक मशीन बाजार में उपलब्ध हैं। जूस का फर्मेंटेशन। हैंड रिफ्रैक्टोमीटर की सहायता से टोटल सॉल्युबल सॉलिड और पीएच को नापा जाता है और टीएसएस को 20 डिग्री ब्रिक्स पर एडजस्ट किया जाता है। केन शुगर और टार्टरिक एसिड को रस में मिलाकर क्रमशः 20 डिग्री ब्रिक्स और 4.5 पीएच प्राप्त किया जा सकता है। 2% अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट को 100 ppm की दर से प्रिजर्वेटिव के तौर पर मिलाया जाता है। इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन वाइन यीस्ट स्टार्टर कल्चर से किया जाता है। 24 घंटे पुराने स्टार्टर कल्चर का उपयोग किया जाता है। यीस्ट को जूस के 0.1% की दर से मेजर किया जाता है। उपरोक्त इनोक्युलम को रस में 5% स्टार्टर कल्चर में मिलाया जाता है और इसे प्राइमरी फर्मेंटेशन के लिए 7 दिनों तक 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। रैकिंग और डिकैंटेशन। रैकिंग प्रक्रिया में वाइन को पंप करके एक होल्डिंग टैंक से दूसरे में पंप करके हटा दिया जाता है, जिससे इसे अपनी लीज से अलग किया जा सके। फर्मेंटेशन पूरा होने और टोटल सॉल्युबल शुगर के 6 से 7 डिग्री ब्रिक्स तक आने के बाद पहली रैकिंग की जाती है। इसमें ज्यादातर
यीस्ट सेल्स के फाइन सस्पेंड होने तक वाइन को स्थिर रखा जाता है। वाइन में किसी भी तरह के सेडिमेंट डिपॉजिट को हटाने के लिए 7 दिनों के अंतराल के बाद फिर से रैकिंग की जाती है। इसके बाद वाइन को क्लैरिफाई किया जाता है, फिर यीस्ट के सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए बिना वाइन को फिल्टर किया जाता है। एजिंग प्रक्रिया के अंतिम चरण में वाइन की एजिंग और बॉटलिंग की जाती है। वाइन को तुरंत बॉटल में पैक किया जा सकता है या फिर वाइन मेकर इसे एडिशनल एजिंग प्रदान कर सकता है। एजिंग के लिए वाइन को ओक बैरल, स्टेनलेस स्टील टैंक या बॉटल में भरा जाता है। ओक बैरल ऑक्सीजन के प्रवेश में सहायता करता है। वाइन की बॉटलिंग एजिंग प्रोसेस पूरी होने के बाद वाइन को स्क्रू कैप या कॉर्क वाली बॉटल्स में भरा जाता है। पैश्चराइजेशन बॉटलिंग के बाद 20 मिनट के लिए 60 से 82 डिग्री सेंटीग्रेड तक पैश्चराइज किया जाता है। इसके बाद वाइन को ठंडा करके 2 महीने के लिए रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। परियोजना लागत व्यय विवरण वाइन प्रोसेसिंग यानी वाइन प्रसंस्करण की एक छोटी यूनिट को लगभग 30 से 35 लाख रुपए की लागत से शुरू किया जा सकता है। 10 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का 35% MOFPI द्वारा सब्सिडी अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। अब तक आप आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत PMFME योजना में जामुन वाइन प्रसंस्करण का वीडियो देख रहे थे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार के साथ साझेदारी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी PMFME योजना की शुरुआत की। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ दिए गए हमारे वेब लिंक पर क्लिक करें।